लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आज जहां अधिकांश युवा पढ़ लिखकर रोजगार के लिए प्लान कर रहे हैं और उनका कहना है कि बाहर में रोजगार का कोई साधन नहीं है, वहीं कुछ युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने प्लान करने के बजाय अपने घर गांव में ही कुछ नया व प्रेरणादायक कार्य किया है। ऐसे युवाओं में सुषमा बोगणा व संजय बोगणा का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है, जो न केवल खुद स्वरोजगारी बने बल्कि एक दर्जन लोगों को धूपबत्ती व अगरबत्ती बनाने का कार्य सिखाकर अपने यहाँ स्वरोजगार भी दिया है। करीब 3 साल पहले उन्होंने रानीचोरी स्थित अपने घर में आराधना नाम से धूपबत्ती व अगरबत्ती बनाने का कार्य शुरू किया और उसे बाजार तक पहुंचाने की पहल की। सुषमा बोगणा ने इस कार्य में स्थानीय महिलाओं को जोड़ा और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया। आज इस संस्था में कई महिलाएं स्वरोजगार करके 10 से 15 हज़ार रुपये महीना तक कमा रही हैं। यूके लाइफ के लिए चंबा से बलवंत रावत की रिपोर्ट। कब से कर रहे हैं आप ये काम? लगभग कितने लोगों को सुबह रोजगार मिल रहा है? बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है, कम से कम 10-12 महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं और यहाँ पे जो तलाक सुबह महिलाएं हैं उनको भी मतलब यहाँ पे काम सिखाया जाता है। जो गरीब जरूरतमंद लोग हैं उन्हीं को यहाँ पर ये दो हफ्ते का कार्यक्रम। महीने के कितने तक आजीविका हो जाती है इनसे? इनके 5-6 हज़ार हो जाती है। ठीक। नाम सुषमा बिजलान है। कब से कर रहे हैं आप ये काम? हमें करीबन 3 साल हो गए। अच्छा, तो कितनी आजीविका इसमें महीने की हो जाती है आप लोगों की? इसमें जाती है 3 से 5 के करीब। हाँ, ठीक है। कितनी महिलाएं हैं जो यहाँ पे और काम कर दिया आप लोगों के साथ? 10-15 महिलाएं हैं। तो 1 दर्जन महिलाएं हैं। हाँ जी। कब से कर रहे हैं आप यहाँ काम? 3 साल से। कितना फ़ायदा मिला है यहाँ पे आप लोगों को काम करने से? काफ़ी फायदा।